समय मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं सीधे हिमाचल प्रदेश विधानसभा से, और ये जो बागी विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे जो पंचकुला चले गए थे, वो विधायक यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो पिछले 24 घंटे से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के व्हिप जो उन्होंने जारी किया था, हालांकि वो राज्यसभा में नहीं कर सकते थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी की जो लाइन थी जिसको वोट देने के लिए बोला गया था उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को उन्होंने वोट दिया, जिसके बाद हर्ष महाजन की जीत हुई। तो ये देखिए, ये जो दूसरी गाड़ी आई इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जो छोड़ करके चले गए थे, क्रॉस वोटिंग जिन्होंने किया, वो यहाँ पर हैं और बागी विधायक अब पहुँचे हैं विधानसभा। तो अब इनके पहुंचने के बाद रणनीति क्या होगी, इनके पहुंचने के बाद संख्या बल क्या होगा, इनको किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ट्रीट करेंगे, क्या ये जवाब देते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो इनको नोटिस जारी किया है, उन सब बातों पर नजर रहेगी। देखिए, ये जो विधायक हैं आपको न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे विधायक जो 6 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे, वो सब यहाँ पर देखिए विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा भवन जो है वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे विधायक विधानसभा की कार्यवाही जो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, शुरू हो गई है, उसमें हिस्सा लेने के लिए विधान सौधा पहुंच गए हैं। तो ये जिस पर सबकी नज़र थी, जो विधायक ढूंढे जा रहे थे लगातार कि कहाँ है वो विधायक, 6 जो कांग्रेस के विधायक थे, 3 जो निर्दलीय विधायक थे, वो सारे विधायक कहाँ हैं, वो सारे विधायक क्या कर रहे हैं, उनका रुख क्या होगा और वो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, वो सब आप देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर आपको विधानसभा में प्रवेश करते हुए ये विधायक दिखाई दिए, अभी आपको लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, विधानसभा की तस्वीरें हैं और ये सारे विधायक अब अंदर जा चुके हैं। पंकज तोमर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे और अब ये विधायक चले गए हैं, तो क्या नए सिरे से रणनीति बनेगी, अब क्या क्या विकल्प हैं, ये भी तलाशना होगा। क्योंकि इनसे आप नजर बनाए रखिए, हमारे एक और सहयोगी अमन भारद्वाज हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमन, ये 6 बागी विधायक जो पंचकुला गए थे आ गए हैं, 12 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है, कोई अंदर से जानकारी, कोई खबर मिल पा रही है? देखिए, इंतजार इसी चीज का है, क्योंकि जो इल्जाम बीजेपी पर कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा था, तो वही कार्रवाई विधानसभा के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि 15 भाजपा विधायकों को समेत जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनके साथ एक्सपल किया गया, निष्कासित कर दिया गया है। और विधानसभा इस समय मैं बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कुछ ही देर पहले गेट पर हल्ला कर कुछ विधायक जो निर्दलीय और कांग्रेस के विधायक जो कल से संपर्क में नहीं थे, तो वो यहाँ पर आज विधानसभा भाजपा के बारे में पता चला है। विक्रमादित्य ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया, क्या इनका कोई नेक्स्ट मूव आपको पता चल रहा है 6 विधायकों का? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात कर यही कहा गया है कि अगर विधानसभा में, क्योंकि दो रास्ते अपनाए हैं कि या तो डिवीजन ऑफ वोट अंदर विधानसभा में किया जाए, अगर वो रास्ता नहीं अपनाया जाता जैसे एक्सपल्शन हो गया, तो राज्यपाल से जो सुबह मुलाकात हुई है उसमें विधायकों को साथ लेकर और डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर एक राज्यपाल के जरिए भी हस्तक्षेप करने की जो मांग भाजपा के विधायकों ने की है, तो एक रास्ता वो भी बचता है। अगर यहाँ पर निष्कासन के बाद भाजपा विधायकों के बाद डिवीजन ऑफ वोट नहीं मिलता है या समर्थन नहीं भाजपा के हक में होता है, तो राज्यपाल दफ्तर एक जरिया जरूर है भाजपा के पास, क्योंकि उनके द्वारा मांग की गई है कि मिनोरिटी में कांग्रेस अब आ चुकी है, विधायक उनके समर्थन में है, तो राज्यपाल अगर हस्तक्षेप करते हैं और जिसकी उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है अब, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी साबित करने के लिए भाजपा के पास राह जरूर बचता है। और ये अगर बजट सेशन में, क्योंकि बजट सेशन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, बजट पर वोटिंग पर डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई है, तो हो सकता है कोई स्पेशल सेशन या राज्यपाल के जरिए राज्यपाल के पास बहुमत अपना एक तरीके से भाजपा के विधायक साबित करने में समर्थ हो और सिद्ध हो, तो वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया, यानी कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति कांग्रेस के लिए इस वक्त बन चुकी है। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्कू को हटाने की तैयारी कर ली है, ये सूत्र हमारे कह रहे हैं। इसी के साथ ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने कहा है कि वो सुक्कू को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन विधायक अगले सीएम चेहरे पर रजामंदी बना ले, यानी कि जो मांग रखी जा रही थी सभी विधायकों की ओर से कि आप सीएम का चेहरा बदलिए, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्कू को हटाने के लिए आलाकमान तैयार हो गया है। लेकिन दो और कौन से नाम जो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं वो आपको बता दें, एक प्रतिभा सिंह और दूसरा जो एक नाम और है जो फिलहाल मौजूदा समय में डिप्टी सीएम भी है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अरुण, सहमति बन रही है आलाकमान के चेहरा बदल देंगे, लेकिन दो नाम जो चुनावों से पहले भी चर्चा में थे, एक बार फिर से चर्चा में, प्रतिभा सिंह और एक और चेहरा।
देखिए दोनों नाम चर्चा में, और इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया डिप्टी सीएम इसलिए, और विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रतिभा सिंह को बैलेंस करना था। जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके पिता के नाम पर उनके पोस्टर बैनर पर चित्र छाप करके इमोशनल अपील करके ही यह चुनाव जीता गया, तो दावा तो उनका था उनके मुताबिक, लेकिन जब वो नहीं बन पाए तो एक नाराजगी उनके अंदर थी। लेकिन प्रतिभा सिंह ने जिस तरह से कल ये बयान दिया कि विधायकों में नाराजगी है, राजेंद्र राणा जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, हर्ष महाजन खुद कभी अहमद पटेल कहे जाते थे हिमाचल प्रदेश के, ये सारे नेता कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन सुक्खू ने क्या किया, सुक्खू ने पूरी सत्ता का एक केंद्रीकरण अपने हाथ में करने की जो कोशिश की, हाथ से अब रेत उनके फिसलने लगी। जब तक वो कर पाए, अब ये राज्यसभा का जो चुनाव था वो ब्रेकिंग पॉइंट था, अब वो हाथ से उनके रेत फिसल रही है। लेकिन कांग्रेस आला कमान के सामने मुश्किल है कोई कंसेंसस कैंडिडेट ऐसा हो जिस पर प्रतिभा सिंह भी विक्रमादित्य सिंह भी हामी भर दें, जिस पर राजेंद्र राणा भी हामी भर दें और सुक्खू का भी हामी भरना जरूरी है। देखिए सुक्खू अकेले नहीं है, वो मंत्री मुख्यमंत्री भले हैं लेकिन अकेले नहीं, उनके भी कुछ समर्थक विधायक हैं, उनकी राय भी जरूरी है। तो कांग्रेस आला कमान जल्दबाजी में फैसला लेके ये नहीं चाहता कि जो आज परिस्थिति उत्पन्न हुई है 10 दिन बाद फिर वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए जो ये तो जनवरी में ही हो गया था, विक्रमादित्य सिंह के 2 मंत्रालय हैं उनसे ले लिए गए थे, ये पटकथा तो जनवरी में लिख दी गई थी जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तभी समझ जाना चाहिए था आला कमान को दिल्ली में बैठ के। देखिए यही तो मुश्किल है कि जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं वो संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने की बजाय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो खिंचवाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और वहां पर अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं। संगठन महासचिव को राज्यों के दौरे पर जाना चाहिए, कांग्रेस के कई ऐसे नेता कहते हैं कि वहां पर जाके, कोई जरूरी नहीं कि जब विवाद सामने आ जाए, सुगबुगाहट हो जाए, बगावत हो जाए तब आप वहां पहुंचिए, ये तो पहले ही प्रभारी जो होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जो होते हैं, पार्टी का सिस्टम होता है, संगठन महासचिव होते हैं, इन सबको पहले से नजर रखनी पड़ती है कि अगर कोई बगावती सुर उठ रहे हैं तो उसको तुरंत वहीं पर दबा दिया जाए। उसको जो आग को शोला बनने के लिए या ज्वालामुखी बनने का इंतजार करना, ये संगठन महासचिव का काम नहीं था और यहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस का संगठन फेल हुआ है। जब बुलबुला बन रहा होता है तभी समझ नहीं आता है आलाकमान को, जब फूटने की कगार पे आ जाता है, स्थिति बिगड़ने लगती है तब समझता है आलाकमान कि कुछ हो गया, चलिए चलते हैं। अब हम एक बार फिर से अरुण आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य सिंह का जब हम बात कर रहे हैं तो उनका क्या कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुनवा देते, फिर आपका रुख करूंगी। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है,